बड़ी खबर सात समंदर पार ब्राजील से है, जहां बोल्सोनारो समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। बोल्सोनारो समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया, हालात इतने खराब हो गए सेना बुलानी पड़ी। ब्राजील के नए राष्ट्रपति ने सेना आदेश दिया है कि वो तुरंत मोर्चा संभालें और उपद्रवियों से निपटे। राष्ट्रपति ने उपद्रवियों को नाजी कहा। प्रेसिडेंट हाउस, कांग्रेस यानी कि ब्राजील का संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रालयों की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया है। तोड़फोड़, आगजनी, हंगामा, पथराव, सब कुछ वहां पर हुआ है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में ये सब क्यों हो रहा है ये भी समझिए। ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें सत्ताधारी बोल्सोनारो की पार्टी हार गई। नए राष्ट्रपति ने शपथ भी ले ली और ये चुनाव आज या पिछले 10 से 15 दिन में नहीं हुआ, अक्टूबर में चुनाव हुआ। बोल्सोनारो हार गए, तब से लेकर अब तक लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन रविवार को लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार हो गई। बोल्सोनारो राइट विंग के नेता हैं। इसी तरह की घटना अमेरिका में भी हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, और अब ब्राजील में भी यही हुआ है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप ब्राजील में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उन्हें समझ सकते हैं। ब्राजीलिया में जबरदस्त हंगामा हुआ है। ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों का ये जबरदस्त हंगामा आप देखिए, और इससे जुड़ी जानकारी हम आपको और देंगे कि कहां कहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। ये आप देखिए, संसद भवन में भी उपद्रव हुआ है, वहां पर बोल्सोनारो समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। बोल्सोनारो अमेरिका में है इस वक्त, और आप देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी की जा रही है, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव हो रहा है, जबरदस्त सड़कों पर बवाल ब्राजील की देखने को मिल रहा है। ब्राजीलिया में तो उपद्रवियों का तांडव आप देखिए किस तरह से सड़क पर दौड़ते हुए, यहां पर आपको तमाम उपद्रवी और प्रदर्शनकारी नजर आ रहे होंगे। और कुछ और जानकारी आपको देते हैं, ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों का तांडव, कहां कहां पर हमला। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रालय, वहां पर सभी प्रदर्शनकारी पहुंचे और जबरदस्त बवाल वहां पर काटा गया। बोल्सोनारो की पार्टी चुनाव हार गई, अब उपद्रव की वजह क्या है वो आपको बता रहे हैं। बोल्सोनारो समर्थक हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं बोल्सोनारो। बोल्सोनारो का एक अपना आप कह सकते हैं समर्थकों का एक हुजूम है जो उनके साथ चलता है, और क्योंकि वो चुनाव हार गए ये बात उनके समर्थक स्वीकार नहीं पा रहे हैं, इसलिए ब्राजील की सड़कों पर जबरदस्त उपद्रव देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है उपद्रव, इसकी वजह भी हम आपको समझा रहे हैं, और इस पर बाइडेन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको पूरे देश, पूरी दुनिया की तरफ आकर्षित किया है और हर कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में दे रहा है। जो बाइडेन की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी एक वक्त पर ऐसे हालात देखने को मिले थे जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के भी समर्थकों ने कुछ इसी तरह से बवाल किया था। तो चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो को ये स्वीकार्य नहीं था, और किस तरह से उनके समर्थकों को भी ये बात स्वीकार्य नहीं हो पा रही है कि बोल्सोनारो ये चुनाव हार गए हैं। चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो के जो समर्थक है वो ब्राजील की सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, कांग्रेस, संसद भवन, राष्ट्रपति पर उन्होंने धावा बोल दिया। चुनाव में हार नहीं मान रहे हैं बोल्सोनारो समर्थक, और आप देखिए कि किस तरह से ये जो उपद्रवी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वहां पे संसद भवन में, मंत्रालय में जाकर किस तरह से विरोध जता रहे हैं। ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों ने जगह जगह उपद्रव किया है, कांग्रेस के संसद भवन, राष्ट्रपति पर भी धावा बोला है। तो चुनाव में हार के बाद जो बाइडेन की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है आपको दिखाते हैं। ब्राजील में लोकतंत्र पर हुए हमले की निंदा करता हूं, ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थाओं को मेरा पूरा समर्थन, नए राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए मैं उत्सुक हूं। जो बाइडेन राष्ट्रपति यूएस से, तो जो बाइडेन की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई है, और दुनिया भर का ध्यान इस वक्त ब्राजील की ओर गया है, क्योंकि ब्राजील में जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो कोई आम बात नहीं है। इस तरह की स्थिति
बहुत कम देखने को मिलती है देशों में जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है। इस तरह के जो हालात है वो एक बार अमेरिका में भी देखने को मिले थे जब जो बाइडेन चुनाव हारे थे, उनके समर्थकों ने भी इस तरह से उपद्रव किया था। श्रीलंका में भी कुछ वक्त पहले, कुछ ही महीनों पहले हमने देखा था किस तरह से स्थितियां खराब हुई थी, और कुछ ऐसा ही नजारा ब्राजील की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है जहां पर बोल्सोनारो समर्थकों को चुनावी हार स्वीकार नहीं हो रही है।